गाइस तुम लोग सोच रहे होगे ये प्रोबोस मरा कैसे। तो चलो गाइस मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो जैसे कि गाइस आपको पता है मेरी एक एसएमपी है, रिवाइवल एसएमपी, एंड ये एकदम नॉर्मल एसएमपी है, लेकिन इसमें किसी को भी रिस्पॉन करने के लिए उसका रिवाइवल कार्ड चाहिए रहता है। जैसे कि अगर कोई मर गया तो वो एक रिवाइवल कार्ड ड्रॉप करता है। बस तो जिंदगी हमारी एसएमपी में ऐसी कट रही थी, लेकिन एक दिन एक अफवाह फैली। एक्चुअली में गाइस रिसेंटली में ना हमारे एसएमपी में एक बंकर डिस्कवर किया गया, एंड इसमें माना जाता है कि इसके अंदर जो भी जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। अच्छा ये वाला है क्या, इसकी बात कर रहा है तू? अरे मैं नहीं, सब लोग बात कर रहे भाई। इसके अंदर जो भी जाता है ना मर जाता है। क्या फालतूगिरी कर रहा है, मैं जाऊंगा देख अभी, पार्कुर सब करके आऊंगा। क्या अबे नूब है क्या, मत जा। अबे क्या फालतू की बातें कर रहा है, हम लोग प्रो है यार, हम लोग कर सकते हैं यार, ये सब क्या चिंदी विंदी है। फिर भी यार ऐसा रिस्क मत ले, कुछ भी हो सकता है। अरे यार चलना, पता कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, मजा आएगा, चल चल। अबे नहीं प्रो, मत रुक रुक। अरे कुछ नहीं होगा, इजी है, एक मिनट रुक। अरे सब पार्कुर सब आता है मेरे को यार। अरे यार पता है ना मैं कितना बड़ा प्रो हूं। हेलो कोई है क्या अंदर? यार संभाल के आना यार, प्लीज यार, मैं इंतजार करूंगा यहीं पे। ठीक है टेंशन मत ले तू। यार ऐसे तो चला गया यार, मैंने उसको बोला था मत जा यार, क्या कर रहा है यार, अभी पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। एंड गाइस ऐसे ही 2-3 घंटे बीत गए, ऑलमोस्ट सुबह भी होने वाली थी, लेकिन प्रोबोइस वापस नहीं आया। अरे शिट यार प्रोबोइस, अरे आवाज आ रही कि नहीं प्रोबोइस? अबे यार सच में बहुत टाइम हो गया यार, अब तक वापस नहीं आया। बोल रहा था बहुत कि पार्कुर कंप्लीट करके आ जाऊंगा, अब तक तो आया नहीं। नहीं यार शिट, अबे क्या करूं प्रोबोइस? मैं अंदर जाके देखूंगा यार, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को नहीं जाना, पता नहीं कौन कौन से कीड़े होंगे अंदर। एक मिनट यार जाता हूँ यार, कुछ होगा तो नहीं, जाता हूँ। नहीं यार नहीं 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 नहीं, बहुत रिस्की है, क्या करूँ यार। उनका एक काम बोलते, चलो मैं चले जाता हूँ थोड़ा सा अंदर जाके देखता हूँ। यहाँ पे लाइट वीट तो लगा हुआ है भाई। ओ शिट यार, लाइट्स को क्या हो गया? नहीं 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 प्रोबोइस कहाँ पे? अरे नहीं यार मैं जा रहा हूँ, नहीं भागो 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 भागो, डर लग रहा है मुझे, ये मुझे इसके अंदर नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना। ओह बच गया। शिट गाइस मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं अंदर क्यों जा रहा हूँ यार, मर भी गया तो प्रोबोइस को रिवाइव कौन करेगा? अगर वो मरा होगा तो यार मुझे रिवाइव करना पड़ेगा भाई। उसकी आवाज आवाज कुछ नहीं आ रही, 2-3 घंटा हो गया है, मुझे तो लग रहा है कुछ हो गया उसको यार, मैं बोला था मत जा। तो गाइस यहाँ पे मैं है ना बहुत डर चुका था, एंड फिर मैंने अभी सोचा कि मैं थोड़ा है ना मेरे एसएमपी मेंबर्स को लेके इस केव के अंदर जाऊँ। भाई मुश्किल होने वाला था, लेकिन मैं गया सबसे हेल्प मांगने। चलो गाइस यहाँ पे थोड़े से बंदे हैं, इनसे बात करते यार। हेलो दोस्त माइंड मास्टर, यार तेरे से कुछ बात करनी थी यार। बताओ जंकी भाई क्या हुआ? अरे एक्चुअली में ना मैं क्या, तो वो बंकर पता है ना जिसमें अफवाह फैली है कि कोई भी जाता है तो मर जाता है, वहाँ पे प्रोबोइस चले गया, तो अब तक लौटा नहीं है यार, चलेगा क्या मेरे साथ बंकर में, चलेगा क्या? नहीं नहीं जंकी भाई, आपको पता है ना वहाँ पे क्या है, मैं नहीं जाऊँगा। अरे प्लीज यार चलना यार, कोई तो नहीं नहीं कोई तो भाई। जेनिफर भाई नीचे आना। बोलो बोलो जंकी भाई क्या हुआ, रुको मैं नीचे आता हूँ। अरे तेरे को पता है ना बंकर के बारे में? हाँ पता है। अरे तो वहाँ पे प्रोबोइस चले गए और अब तक वापस नहीं आया, तो मैं सोचा था कि वो हम दोनों उस बंकर में चलते थोड़ा देख के आते। नहीं नहीं भाई मैं नहीं जा रहा। अरे प्लीज यार आना। मैं नहीं जाने वाला भाई। अरे क्यों यार चलना, वो जगह बहुत खतरनाक है पता है ना, वहाँ पे प्रोबोइस क्यों गया था? सुनो सुनो जंकी भाई मैं सजेस्ट करूंगा वहाँ पे मत जाओ बिल्कुल भी, मेरे ख्याल से प्रोबोइस को अभी भूल जाओ, वो जगह बहुत खतरनाक है। अरे यार शिट यार, अरे यार गाइस प्रोबोइस को मैंने बोला था मत जा यार, ये क्या गुस्सा आ रहा है बहुत यार, गाइस कोई हेल्प नहीं कर रहा यार, गुस्सा आ रहा है यार। प्रोबोइस तो मर गया, आई होप कल नहीं मरा हो। ओए जंकी देख मेरा फार्म कितना बड़ा हो गया। अरे यार तो मैं क्या करूँ यार। ओए जंकी रो क्यों रहा है? अरे यार अभी तेको पता है ना एसएमपी में अफवाह फैली थी कि एक बंकर इसके अंदर जो भी जाता है वो मर जाता है, तो प्रोबोइस उसके अंदर चला गया यार, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है यार। तू चलेगी क्या, हम दोनों साथ में जाते उस बंकर में प्रोबोइस को छुड़ा के लाते? नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ। क्यों यार चलना। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, प्रोबोइस नहीं बचा तो मैं कैसे जा सकती हूँ। अरे यार, अरे जंकी रिक से जाके मिल ले, वो एसएमपी का पुराना मेंबर है, शायद से वो तेरी कुछ मदद कर पाए। हाँ गाइस एक रिक नाम का बंदा तो है एसएमपी में जो मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, उससे जाके मैं बात कर सकता हूँ। थैंक यू ना यार, मैं उससे जाके बात करूंगा। ठीक है चल काम कर अपना, बाय, गुड लक जंकी। यस एंड ऐसे गाइस मैं निकल पड़ा रिक के घर के लिए,
एक्चुअली में गाइस रिक है ना बहुत ही मतलब पुराना मेंबर है एंड बहुत ही प्रो भी है वो, तो मुझे लगा ना उसको पता रहेगा ये रूमर के बारे में एंड बंकर के बारे में, उसको ज्यादा ही नॉलेज तो रहेगा यार, मेरे को 100% पता है यार, अभी वो ही मेरी उम्मीद है। ये देखो गाइस रिक का घर, सब घर से अलग है, एकदम कोपचे बनाया है। चलो आज जाके देखते हैं रिक भाई अंदर है क्या। हेलो रिक भाई, अंदर आ सकता हूँ कि नहीं? ए कौन आया रे, कौन आया? जंकी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? आओ आओ अंदर आओ अंदर आओ। यार बहुत यार अर्जेंट बात करनी यार तुमसे यार, बहुत खतरनाक चीज हो गई है। एक काम करो आ जाओ बैठ के बात करते हैं। अच्छा जंकी बताओ क्या हुआ? एक्चुअली मैं रिक भाई, आपको पता है ना वो बंकर के बारे में जिसमें कि जो कोई भी जाता है वो मर जाता है, तो मैं और प्रोबोज वहाँ पे गए एंड प्रोबोज उसके अंदर चले गया, फिर वो वापिस नहीं आया यार। मैं तो बहुत डर चुका हूँ यार, इसलिए मैं आपके पास आया, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, कुछ रिसर्च। आप बहुत पुराने प्लेयर हो, आप प्रो भी हो, आप मेरे को कुछ बता सकते हो तो प्लीज बताओ ना। देखो जंकी थोड़ा शांत हो जाओ और अभी मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि प्रोबोज अंदर जा चुका है इसलिए मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ, प्लीज किसी को बताना मत। ओके रिक भाई क्या बताने वाले हो यार, डराओ मत यार, प्लीज जल्दी से बताओ ना। देखो जंकी तुम्हें बताना तो नहीं चाहता लेकिन आजकल रिवाइवल कार्ड का ब्लैक मार्केट बन चुका है। रिक भाई क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बताओ ना। वो लोग किसी को भी मार के उसका रिवाइवल कार्ड ले लेते हैं, फिर वो इल्लीगल वे में उसको बेच देते हैं। जितना पॉपुलर बंदा होगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। मुझे तो लग रहा है प्रोबोज को मार दिया होगा उन लोगों ने और उसका रिवाइवल कार्ड भी ले लिया होगा। क्या बोल रहे हो रिक भाई, मतलब प्रोबोज को मार दिया? नहीं अबे उसका रिवाइवल कार्ड, शिट गाइस। अबे यार रिक पहले बोलना चाहिए था ना ये सबको यार, अब छुपा के क्यों रखते हो ये सब चीजें? अरे अरे जंकी टेंशन मत लो, मैं तो बस स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं प्रोबोज मरा कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये धंधे के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। यार तुम्हें क्या करूँ रिक भाई अभी? जंकी मुझे जितना पता था उतना तो मैंने तुझे बता दिया, बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम वहाँ जाने की कोशिश मत करना, वो बहुत खतरनाक जगह है। अच्छा ठीक है रिक भाई, थैंक यू यार इतना बताने के लिए, ठीक है चलो मैं जाता हूँ अभी। चलो गाइस चलते हैं। भाई साहब ये क्या बोल दिया रिक भाई ने, इतना बड़ा खुलासा कर दिया, लेकिन चलो कुछ तो पता चला हम लोग को। फिर गाइस मैंने बहुत सोचा कि मतलब ये क्या हो रहा है, कैसे बचाऊं प्रोबोज, क्या करूं, जाऊं कि नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था उस टाइम। लेकिन फिर अचानक से मेरे को एक आइडिया आता है। यहाँ पे गाइस मैं एकदम कंफ्यूज हो चुका था कि प्रोबोज एक्चुअल में पार्कोर से मरा है कि कोई बंदे ने उसको फोड़ा है। यार अब तक तो लग रहा था कि प्रोबोज पार्कोर से मरा है, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि किसी ने उसको मारा है। यार इतना प्रो बंदा पार्कोर से कैसे मर सकता है यार, समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या हो रहा है। यार अभी तो फटाफट प्रोबोज को ढूंढना पड़ेगा, पता चला उसका कार्ड किसी ने बेच दिया। नहीं यार पर कैसे पता लगाओ यार किसका किलर कौन है, बहुत मारूंगा उसको मैं यार, ये एक ही रास्ता है अभी तो यार, केव में जाके इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। पर मैं केव में जाऊंगा तो यार खतरा है यार, मैं भी मर सकता हूँ, कुछ तो वे निकालना पड़ेगा यार गाइस। गाइस अभी मैं ऐसे ही तो अंदर नहीं जा सकता था, जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। एंड देन उसी टाइम मेरे दिमाग में एक परफेक्ट प्लान आता है, क्या हो कि अगर हम इनविजिबल होके जाए। बूम गाइस मैं आ चुका हूँ यार, एंड वो देखो वहाँ पे अपना केव, भाई साहब बहुत फट रही है मेरी। लेकिन आप गाइस टेंशन मत हो, देखो गाइस मैंने इस एडवेंचर के लिए क्या क्या लाया है। ये देखो पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी 8 मिनट का 2-2 लाया है, यहाँ पे मैंने नाइट विजन भी ले लिया गाइस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर जाके कुछ दिखेगा नहीं पता है मेरे को। एंड यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ का पोशन लिया है एंड हीलिंग का भी ले लिया है। एंड देखो यहाँ पे मैंने टोटम भी रख लिया, टोटम हाथ में ले लेते बस गाइस, अब मैं जाने के लिए रेडी हूं। तो गाइस अंदर जाके ना थोड़ा इंस्पेक्शन करके आएंगे, लेकिन गाइस पहले इनविजिबल बूम बन जाता हूं, इनविजिबल बन गया। एंड आई थिंक मेरे को यार ये कपड़े भी निकालने पड़ेंगे यार, लेकिन गाइस देखो खतरनाक दिख रहा हूँ, कोई भी मेरे को पहचान नहीं पाएगा। चलो नाइट विजन का भी पी लेते हैं, बूम यस उजाला उजाला, चलो चलो चलो। एंड मैं आ गया अंदर, भाई बहुत डर लग रहा है, प्रोबोज मैं तेरे को बचाने आ रहा हूँ। चलो गाइस चलो आगे क्या होगा मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। ओह शिट रुके, वो पार्कोर से क्या जो प्रोबोज बात कर रहा था? शिट यार मेरे को डर लग रहा है, यहाँ पे किधर जाने का रास्ता तो नहीं है, बस सीधा जाने का रास्ता है। गाइस मैं इनविजिबल हूँ, हाथ में कुछ नहीं लेना मेरे को वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। एंड मैं आ गया, ओह शिट ये कौन सी जगह है, व्हाट नहीं 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 नीचे लावा है, ये तो सच में पार्कोर है, व्हाट। भाई सोचो यार कितने लोग यहाँ पे लावा में गिर के मरे होंगे। चलो आगे चलते, व्हाट ये सब कौन है, नहीं डेड बॉडीज, नहीं शिट 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 गाइस। वैसे तो मैं इनविजिबल हूँ तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अब मुझे यहाँ पे इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि ये लोग मर कैसे रहे। चलो आगे चलते आगे, सब क्या है, सब बहुत लोग मरे गाइस, इनका रिवाइवल कार्ड कहाँ पे है, मेरा प्रोबोज कहाँ पे है। प्रोबोज 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 एक मिनट,
यार सच में पार्कोर है गाइस एंड ट्रैप्स शायद ट्रैप्स ऊपर वो देखो क्या कुछ तो ट्रैप्स है वो शिट शिट पीछे देखो यहाँ पे मेरे को ये क्या कहते हैं डिस्पेंसर येरा शिट सच में ट्रैप्स है यहाँ पे भागो 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 रिक क्या बोल रहा था लेकिन यहाँ पे तो सच में ट्रैप्स है एंड नो शिवांग शिवांग भी फंस चुका था यार शिवांग को क्या हो गया यार नहीं 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 यार यार प्रोवाइस कहाँ पे मिलेगा एंड गाइस देखो यहाँ पे नीचे TNTs भी अगर मैं इसके ऊपर पैर दिया ना सीधा लावा में जाके आई मीन ऑक्सीजन पे गिरूंगा चल चलो आगे चलते गाइस मैं इनविजिबल शिट नहीं 5 सेकंड में जाने वाला है नो यो बच गया 6 मिनट अभी तो पकड़ा जाता भैया मेरे कुछ समझ नहीं रहा है बहुत खतरनाक ट्रैप्स है यहाँ पे भाई कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे कुछ खतरनाक तो है नहीं प्रोबोस तो आराम से पार कर लेता मुझे आगे जाके देखना पड़ेगा यार ये शुभ है मैं तुमको जानता हूँ यार तुमसे डायमंड लिया था मैंने एंड यार बंदा कोई दिख भी नहीं रहा है किसने मारा ये सब तो अच्छा है कि गाइस मैं इनविजिबल हूं इसलिए कोई ट्रैप भी एक्टिवेट नहीं हो रहा वरना तो बंदा ट्रैप एक्टिवेट कर लेता यार कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस ये योर प्राइस भाई ये प्राइस के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे यार खोल के देखो क्या इसको एक मिनट गाइस इसको तोड़ के देखता हूँ ये क्या है ओ भाई साहब ट्रैप चेस्ट है ये सबको पता है ट्रैप चेस्ट क्या होता है खोलने से कुछ ना कुछ एक्टिवेट होता है इससे एंड आई थिंक यहाँ पे आजू बाजू कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि प्रोवोइस मर रहा ये क्या है क्या है ये एक मिनट नीचे वो क्या है यहाँ पे भी है एंड ओ वहाँ पे भी है भाई साहब ट्रैप्स लगाए हैं पता नहीं कौन सा ट्रैप है लेकिन चारों तरफ एक ट्रैप है जिससे कि शायद प्रो बॉयज मर गया यार इसके पीछे किसका तो हाथ है यार कोई तो बंदा कर रहा है ये इसलिए इतने सारे आके सब लोग यहाँ पे मर रहे हैं बेचारे लोग शिट 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 कुछ तो करना पड़ेगा अच्छा वो मैं इनविजिबल बन के आया यस बच गया यार रिवाइवल कार्ड का मेरे पास तो रिवाइवल कार्ड है नहीं वो लेके शायद बंदा लेके भाग गया है नहीं एंड गाइस एक मिनट मैं इनविजिबिलिटी से 2 मिनट का है मेरे पास एक भी इनविजिबल का पोशन नहीं है शूट नाइट विजन भी 1 मिनट का बाकी है गाइस मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से अभी के लिए तो भागना पड़ेगा यार मैं कुछ नहीं कर सकता भागो चलो चलो गाइस फटाफट भागते हैं यार बड़ा डर लगा नहीं भागो नहीं शिट ये तो मार रहा है इसको कैसे पता चला मैं तो इनविजिबल हूं नहीं शिट गाइस अभी एक और है बताओ हमरो पेल लेता हूं क्या बे कीड़े हां मेरे को मारेगा ये ले यस भागो नहीं नहीं गाइस आप स्केटन से फाइट करते करते मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने कब अपना आर्मर पहन लिया था एंड अब एनिमीज मेरे को देख सकते हैं ठीक है सब मर गए यार चलो 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 भागो एंड नहीं ये सब क्या हो रहा है ऊपर से क्या गिर रहा है नहीं किसको पता चला अबे नहीं आर्मर पहन लिया मैंने नहीं भागो नहीं शिट नहीं काबू देखा लोग टोटम भी पहन लेते भागो यस एंड ये सब बंद भी हो गया है पता नहीं क्या हो रहा है भागो अबे कुछ दिख नहीं रहा मेरे को नाइट विजन चाहिए नहीं शिट है गाइस मेरे पास नाइट विजन नहीं लेट्स गो एंड आर्मर भी पहन लेता हूँ भागो चलो 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 भागते यहाँ से क्या बे कीड़े नहीं मेरे से पंगा पता नहीं गाइस कौन है ये लेकिन इसने मेरे को मारा अच्छा है मैंने टोटम ले लिया था एंड मोमेंट पे भागो एंड बेटा चले गाइस मेरा आर्मर सबसे खतरनाक है गाइस लेकिन इसके हाथ में टोटम है यार मैं इससे ज्यादा नहीं लड़ पाऊंगा भागो इसको पानी में लेके आते ये पता नहीं कुछ बोल भी नहीं रहा है ये ले यस मार दिया मैंने इसको एक बार लेट्स गो आया ना लाइन पे बेटा ये क्या है ओ गाइस इसमें से ले लेता हूं गाइस जो क्या बे हाँ एंट्री चेस्ट सब रेडी करके रखा है एंड शिट गाइस मुझे गोल्डन एप्पल खाना पड़ेगा खा लिया ये ले बेटा भागो चल देखो फोड़ के रहूंगा आधा बेटा भागता मेरा ये स्टॉप बोल रहा है हाँ आया ना लाइन पे क्या हाँ क्या वेट बात क्यों नहीं कर रहा क्या ये सब क्या है मेरे को मारता है मुझे लगता है गाइस ये 1 HP है इसलिए इसने अभी रो दिया है बेटा चल माइक खोल हाँ ज्यादा चुपचाप मत बैठ प्रोबोस का रिवाइवल कार्ड दे पहले बोल रहा हूँ ना मार दूंगा आई डोंट हैव रिवाइवल कार्ड निकाल बेटे अभी गिरा दूंगा पहले बोल रहा हूँ वेट लेट मी एक्सप्लेन वो गाइस इसने मेरे को सब कुछ बता दिया रुको मैं तुम लोग को बताता हूँ लेकिन बेटा तू इधर हाँ क्या लीव ना नहीं देखो तुम पैसा कमा लेना हाँ बेटा ये ले मर जाओ ये ले यस मरा ना कीड़े यस गुड केवल यस एक्चुअली मैं गाइस क्या बोल रहा था पता है क्या कि वो है ना यहाँ पे 2 दिन से काम कर रहा है एंड उसका कोई तो एक अपर बॉस है जो उसको ये सब करवा रहा है
एक्चुअली में ना ये सबका यहाँ पे रिवाइवल कार्ड कलेक्ट करता है। यहाँ पे खतरनाक ट्रैप देख रहे हो, एकदम वन शॉट किल एरो, यहाँ पे बहुत सारे ओपी ओपी खतरनाक ट्रैप्स है, जिससे कि कोई भी आता है वो मर जाता है। बेचारा शिवांगन प्रो बॉयज भी मर गए वो ट्रैप में। एंड इसका काम ये रहता है कि ये जाके ना वो रिवाइवल कार्ड एक जगह रख के आ जाता है अपने बॉस के लिए, एंड उसके बदले इसको बहुत सारे पैसे मिलते है। ये बोल रहा था कि इसको बस पैसे मिलते है इसलिए सब काम कर रहा है। भाई मार दिया मैंने, हाँ ज्यादा बोल रहा था, पैसे कमाना है। चलो गाइस फटाफट से यहाँ पे पहले तो बाहर निकलते यार, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है हम लोग को। एंड हाँ उसने मेरे को कोऑर्डिनेट्स भी दिया है, वहाँ पे जाके मेरे को बहुत सारे रिवाइवल कार्ड मिलने की संभावना है। यस उसने बोला कि वो जाके तो वहाँ पे प्रोविजन शिवांग के रिवाइवल कार्ड से। चलो गाइस अभी हमारा टास्क आपको तो पता होगा, हम लोग को जो कोऑर्डिनेट मिले उस कोऑर्डिनेट में जाना है, एंड होपफुली वहाँ पे प्रो बॉयज एंड शिवांग का कार्ड एंड बहुत सब लोग का कार्ड मुझे मिल जाएगा। चलो गाइस अब तो मैं रेडी हूँ एकदम जाने के लिए, मारने के लिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? हेलो गाइस कैसे हो तुम लोग, क्या करो, घर बना रहे हो क्या? देखो गाइस कुकी एंड चिंटू इज मेरे कजिन, लेट्स गो। अरे जंकी जंकी कहाँ जा रहा है? हाँ कहाँ पे जा रहा है जंकी? अरे तुम लोग क्या कर रहे, छोड़ो ना तुम लोग अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ ठीक है। अरे रुकना ब्रो, कहाँ जा रहा है, हम लोग को भी तो बता। बता ना। हाँ ठीक है तुमको बताता हूँ, किसको बोलना बता ठीक है? हाँ ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। तुम लोग को पता ना बंकर के बारे में, जिसमें कोई भी जाता है तो मर जाता है, उसमें एक्चुअल में प्रो बॉयज चले गया था। व्हाट, क्या बात कर रहे तू, ये कैसे हुआ जंकी? तो फिर मैं भी चला गया उस केव के अंदर, फिर वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स थे, प्रो बॉयज मरा हुआ दिखा, सब कुछ मरे हुए दिखे, एंड प्रो बॉयज का रिवाइवल कार्ड भी नहीं था वहाँ पे। एंड इसके पीछे जो बंदा था वो भी मेरे को मिल गया, तो उसको मैंने मारा कूटा, एंड उसने मेरे को एक कोऑर्डिनेट दिया है जहाँ पे ना उसने सारे रिवाइवल कार्ड छुपाए है, तो बस वही पे जा रहा हूँ यार। ओ भाई जंकी हमें भी लेके जा, हम भी आएंगे। हाँ मैं भी आऊंगी, मजा आएगा यार, चल चलते साथ में। हाँ चलते ना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अबे नूबड़े नूब हो क्या, खतरा है भाई, मर भी जाओगे, चुपचाप काम करो जाके जा। अरे यार प्लीज यार हमें भी लेके चल, हमारे पास तो कुछ काम धंधा नहीं है, देख हम लोग तो घर बनाया फालतू सा। अरे भाई मजे करो ना तुम लोग यार, आप क्यों मस्ती। ए जंकी आने देना हम लोग को, प्लीज प्लीज। गाइस क्या करो यार, इनको ले लूं क्या, ऐसे थोड़ा हेल्प हो जाएगा यार। ठीक है गाइस यार चलो यार, लेकिन हमारे पास अच्छा आर्मर तो है ना, ठीक है ना? हाँ है ना, बहुत एकदम कड़क आर्मर है। चलो चलते हैं। चल चल चलो आ जाओ मेरे पीछे आओ, लेट्स गो। ये लेट्स गो। अरे पहुंचे कि नहीं जंकी? अरे हाँ देख रहा हूँ, रुको कोऑर्डिनेट शायद यही पे होना चाहिए, एंड कोऑर्डिनेट तो यहाँ का बता रहा है। बट यहाँ का, यहाँ तो एक घर है। हाँ यार ये तो घर है, मुझे लगा कुछ बंकर वंकर होगा, यहाँ पे छुपाएगा उसने सब कुछ, आई थिंक हो सकता है। चलना अंदर जाके देखते हैं, मजा आएगा। हाँ आई थिंक कोऑर्डिनेट्स तो यही का है। यस चल 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 गाइस, संभाल के आवाज बिल्कुल नहीं करेगा, यहाँ पे कोई और भी हो सकता है ठीक है, मरना नहीं है। चलो चलो चलो, यहाँ पे तो कुछ नहीं यार, यहाँ पे तो बहुत सारी बुक्स है यहाँ पे। अरे ये क्या है, यहाँ पर तो एकदम सब टूटा फूटा हुआ है, किसने तोड़ा ये सब कुछ? पता नहीं यार, पूरा लगता है अबैंडन घर है। ए जंकी ऊपर जाके देखते हैं ना, चलना। हाँ चलो चलो आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, चिंटू ऊपर आ। ओके आराम से ओ चलो यार खोलते यार फटाफट, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। अबे नहीं यार चिंटू ऐसे मत कर यार, पहले मेरे को इंस्पेक्ट करने दे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। अरे जंकी कुछ नहीं होगा, छोड़ना चल कोई खोलते हम दोनों। हाँ चलना खोलते ना, चल चल। ए मत खोलो यार, मैं बोल रहा हूँ यार। ए नहीं, व्हाट, नो, अरे यार ये क्या हो गया, अरे कौन कर रहा है यार, नहीं 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 नहीं, ये सब क्या हो गया, नहीं 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 नहीं, बस इनकी रिवाइवल कार्ड ले लेता हूँ यार, मैं बोला था इनको मस्ती मत करो यार, मुझे पता था ऐसा कुछ ना कुछ ट्रैप होगा यार, इनके रिवाइवल कार्ड में को संभाल के रखने पड़ेगा। पीछे क्या बज रहा है, नहीं सेलिब्रेट क्या कर रहा है, कीड़े ठीक है, चेस्ट में एक बुक है, व्हाट ये क्या है, ये 1000 रुपए के रिवाइवल कार्ड का क्या करूंगा, असली माल तो तू है, व्हाट गाइस, बोलना मत कि ये प्लान हुआ गया था, नहीं यार वो मेरे को डरा रहा है, मतलब उसका नेक्स्ट टारगेट मैं हूं प्रो बॉयज इसके बाद। अरे भाई कौन है यार, लगता है ये जो भी बॉस था ना उसने किया है। ओह शिट, अच्छा हुआ भाई वो बंदे को मार दिया था यार। चलो इनको तो मैं जल्दी से रिवाइव कर दूंगा यार बाहर जाके, बट यार वो बॉस मेरे पीछे पड़ा है, डर लग रहा है, कुछ भी करके उसको पकड़ना पड़ेगा गाइस। अभी के लिए तो ना यहाँ से बाहर निकलते, पहले इन दोनों को रिवाइव कर देते यार, और इससे पहले कि कुछ हो कोई और आ जाए। चलो गाइस बाहर हो गए, सुबह भी हो चुकी है, भाई साहब भागो भागो भागो। तो चलो गाइस चिंटू को पहले रिवाइव करते हैं, बूम, ओ चला गया।
चिंटू चिंटू आ गया। अरे मैं कहाँ पे गया था जंकी? अबे यार तेरे को मार दिया था यार, मैं बोला था ना मत खोल वो, उसकी वजह से तुम मर गया था भाई। तू साइड हो, कुकी को रिवाइव कर रहा हूँ। हाँ ठीक है कुकी को भी करते गाइस। रेडी सेट एंड बूम। ओके कुकी 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 कहाँ पे आ गई। अरे क्या हो गया था चंकी मुझे? अरे यार तुम लोग मर गए थे यार, बोला था मस्ती मत करो यार, बोला था मेरे साथ मत आओ, ऐसा बहुत धोखा हो सकता है यार। अभी तुम लोग जाओ अपना काम करो। ठीक है यार सॉरी चंकी, हम लोग ने ये सब किया। सॉरी यार, सॉरी चंकी। सॉरी छोड़ो यार, तुम लोग जाओ यार, बोला था मत आओ मेरे साथ, जाके मजे करो। जाओ 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 जाओ, बाय बाय। ठीक है चलो बाय बाय, हम लोग जाते। चलो चलो गाइस यार, मेरे साथ फुल स्कैम पे स्कैम हो रहा है यार। यार ये तो अच्छा है कि मतलब इनका रिवाइव कार्ड मेरे को मिल गया, जल्दी से रिवाइव कर दिया, वरना यार मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बट इसने गाइस ये देखो क्या लिखा है, मेरे को अभी भी डर लग रहा है। इसने लिखा है असली माल तू है गाइस, मेरे पीछे आने वाला है वो। शिट यार मेरे को डर लग रहा है यार, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ हिंट भी नहीं मिल रहा। गाइस मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, उसी टाइम पे मेरे को मिलता है रिक। ओ रिक भाई कैसे हो यार? और जंकी भाई कैसे हो, क्या तुम बंकर के अंदर गए थे और कुछ प्रोबोइस का आता पता चला क्या? एंड फिर गाइस मैंने रिक को सारी बात बताई, बंकर के अंदर जाने से कैसे मैं बाहर निकला, सब कुछ बता दिया मैंने उसको। अरे जंकी क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कर पाओगे, शाबाश। अरे भाई मजा आ गया मेरे को यार, बट अभी वो मेरे पीछे पड़ा यार, क्या करूँ यार। अरे तुम तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में फंस चुके हो, वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। एक काम कर जंकी, हम दोनों साथ में काम करते हैं, मैं तेरी टीम में ज्वाइन हो जाता हूँ, दोनों साथ में फाइटिंग करेंगे, एकदम हम प्रो है। एंड तुझे देख के लग रहा है कि तू प्रो बॉय से भी खतरनाक प्रो बन सकता है, तो चल जंकी साथ में लड़ते है। अरे रे रिक भाई आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार, आप बहुत ही ओल्ड प्लेयर हो इस एसएमपी के, आपको खतरे में नहीं डाल सकता मैं, आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है ना, ऐसा नहीं कर सकता मैं, आप मत आओ मैं अकेले ही जाऊंगा, टेंशन मत लो मेरी। अरे जंकी मैं बोल रहा हूँ मैं साथ में आता हूँ, फिर भी मना कर रहे हो। अरे सॉरी रिक भाई, चलो यार मैं जाता हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है आप एंजॉय करो, ठीक है चलो बाय बाय। अरे अरे जंकी क्या यार। अरे चलो गाइस सॉरी रिक भाई, सॉरी बाय बाय। चलो यार पता नहीं रिक भाई हेल्प क्यों करने रहते, पता नहीं यार, तब मुझे तो वो दिल से बहुत अच्छे बंदे यार, मैं उसको नूब समझता था। तो गाइस बहुत टाइम ऐसे ही बीत गया लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं आया, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कब आएगा वो दिन जब मेरे पीछे कोई पड़ेगा। इंतजार कर करके मैं तो इतना डर गया था कि मैं आधा मर चुका था। लेकिन गाइस ये फ्री टाइम में मैंने कुछ ऐसी चीज बनाई जिसको देख के आपका दिमाग का फ्यूज तोड़ ही जाएगा, आपको आगे पता चलेगा मैंने क्या बनाया। एंड गाइस फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन मेरे कोई तो पीछे पड़ा। शिट गाइस कोई तो पीछे आ रहा है, ए नहीं भागो भागो भागो। अरे यार पता नहीं क्या है, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था। बच्चे ओ भाई एंड ट्रिपल फेंक के मार रहा है, भागो। हाँ क्या 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 मैंने भाई, मुझे तो लग रहा है कि उसका बंदा तो नहीं है, इसे लग रहा है बिना फालतू के मार रहा है। ये ले भागो 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 गाइस, बेटे से यहाँ पे लड़ेंगे। इसके हाथ में फिर टोटम है, मेरे हाथ में भी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यस खाया खाया डैमेज हुआ, लेट्स गो। हैं किसको गिराऊंगा गाइस मैं नीचे, इसका टोटम तो तोड़ना पड़ेगा। यस गिरा वो एंड शिट ऊपर आ रहा है। एंड क्या बेटा देखो उसको छोड़ूंगा नहीं, ये ले यस। नहीं मर क्यों नहीं रहा है भाई, कुछ टाइम रेजिस्टेंस ले गया है क्या? शिट नहीं भागो यार, बात नहीं मानता। पहुंच गए क्या बे, ये ले नहीं 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 यस क्या बेटा ये ले। शिट गाइस क्या दे मेरे को, नहीं ये ले नो, ओ बच गया गाइस। चलो गाइस धीरा लियो इसको दबाते हैं, बूम मैं आ गया इसके पीछे, बेटा ये ले एंड यस मार दिया। ये हो ना बात, ज्यादा बोल रहा था, देखो गाइस मेरा प्लान वर्क कर गया, लेट्स गो। एंड उसका सामान भी लेते थे गाइस, वो इसका रिवाइवल कार्ड गाइस मेरे को मिल गया, ये देखो। इस बच्चे को तो कभी भी रिवाइव नहीं करेंगे, हट। एंड वेट गाइस ये क्या, अभी एक और बुक है, वही बुक तो नहीं है, नहीं इसने तो कुछ नहीं लिखा है। व्हाट भाई साहब, भाई बिना साइन वाला बुक है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर भाई साहब, नीचे कुछ गिरा तो नहीं ने, क्या खतरनाक मारा ना गाइस मैंने, मस्त देखो पूरा ट्रैप ट्रिप बनाया था मैंने, सीधा टेलीपोर्ट उसके पीछे। यस अरे बुक कुछ सस्पिशियस लग रहा है। ओए भाई कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे, ओ छुपा के रखा है कोऑर्डिनेट्स को, उसको कॉपी करके रखते। वेट क्यों मेरे को मारने के बाद इस कोऑर्डिनेट पे तो नहीं जाने वाला था, जाके देखते गाइस यहाँ पे। यस तो फिर मैं चला गया ये कोऑर्डिनेट्स में,
फिर बहुत ढूंढने के बाद मेरे को ये घर मिला। ये एक मिनट, जिस कोऑर्डिनेट में मैं आया हूँ वहाँ पे तो यही घर है। ओह शिट, कुछ अबैंडन घर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर रहता नहीं है, लेकिन मेरे को बुद्धू बनाएगा। हाँ फिर वह इसके अंदर जाके देखते हैं, मेरे को डर लग रहा है एक्चुअली में। खुला क्यों दरवाजा? ओह शिट, थोड़ा सा बंद करो यार। भाई टूटा उठा है सब कुछ, भाई कोई है भी कि नहीं इस घर में। ओह शिट, भाई हंटर के बुक से तो यही कोऑर्डिनेट्स मिले थे यार। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा ये कोऑर्डिनेट्स क्यों दिया है, तो गंदा घर है पर यार समझ नहीं आ रहा यार। लेकिन कुछ ढूंढने का ट्राई करते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ना, इसे फालतू में थोड़ी दिया रहेगा। भाई तीन तीन बेड कौन चिपका के रखा है? शिट, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे रहता है यार, कोई मेरे को फेक करने का ट्राई कर रहा है। सच में गाइस स्कैम घर है यार, सब जगह जाले वाले लगे हुए हैं, तोड़ना पड़ेगा अभी, सब साफ सफाई करनी पड़ेगी। ये क्या है? ए लीवर यहाँ पे लिटरली, व्हाट? एक मिनट और भी लीवर्स है क्या यहाँ पे? यहाँ पे तो वो क्या है, सीढ़ी है वहाँ पे, लेकिन ये लीवर दबा के देखते कुछ ना कुछ तो होगा। चलो गाइस 3, 2, and दब जा। अरे दब भी जा यार। कौन ओ कुछ तो आवाज आया, मशीन का आवाज आया, कुछ तो खुला गाइस, सच में यहाँ पे कुछ तो खुला, जाके देखना पड़ेगा। ओए ये क्या खुला? बंद था अभी 2 सेकंड पहले। भाई साहब काम को देखो, ऐसे नहीं जाता यार, मेरे को डर लग रहा है अगर नीचे कोई तो हुआ ना तो शक हो जाएगा। इससे अच्छा मैं ना क्या कहते हैं, अपना बहुत सारा पोशन लाया हूँ मैं यहाँ पे, इनविजिबिलिटी का पोशन कहाँ पे? हाँ ये रहा, इसको मैं ऐसे करके बूम पी लिया मैंने। ये देखो गाइस इनविजिबल बन चुका हूँ मैं, ना मैं आर्मर नहीं निकालूंगा ठीक है गाइस? क्यों पता है? क्योंकि ये ना उसको लगेगा कि उसका दोस्त आया उससे मिलने, उसको जंकी का कार्ड देने आया है, उसको क्या पता कि मैं उसको उसका कार्ड दूंगा, ये वाला गंदा मजा आएगा। बट कोई वो नीचे होना भी चाहिए यार, सब प्लान करके आया हो यार। बस अभी नीचे जाते हैं, आराम से जाएंगे एंड लेट्स गो। गाइस ओ शिट, बेड विड है यहाँ पे, तो कोई एक्चुअली में रह रहा है। ये सब क्या है भाई? चेस्ट, 100% बोल रहा हूँ इसके अंदर रिवाइवल कार्ड है अपना। भाई मैं सही जगह पे आया हूँ। भाई कौन है वो किलर मेरे सामने? यार गाइस मैं इनको खोलूंगा नहीं यार, क्योंकि पता है ना कैसे कुकी और चिंटू मारे थे भाई, अगर मैं फंसा दिया ना उसने मेरे को फिर से यार पकड़ हो जाएगा। कुछ लोग सभी के लिए मैं इनविजिबल हूँ, तो कोई पहचान नहीं सकता, बस देखते कौन यहाँ पे आता है। लेट्स सी यार कब कौन कहाँ से आएगा। ए रिक्सा कैसे हो यार, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तेरे को भी किलर का पता चल गया क्या? ए किलर, जंकी को मार के उसका रिवाइवल कार्ड लाया कि नहीं? व्हाट, रिक किलर है क्या? शीट, ऐसा नहीं हो सकता यार। अरे यार घूर क्या रहा है, जल्दी से कार्ड देना, मुझे अपना कलेक्शन कंप्लीट करना है, जल्दी दे जंकी का कार्ड दे, मुझे घूर क्या रहा है। अरे गाइस क्या करूँ मेरी इनविजिबिलिटी कितनी है, सिर्फ 2 मिनट की बाकी है गाइस। शीट, अरे गाइस अच्छा है कि मैं इसको ये मुझे सुन नहीं पा रहा, क्या करूँ उसको, इसको तो पता ही नहीं कि मैं जंकी हूँ बेटे। हाँ मेरे को फंसा रहा था, पता ना गाइस एक बार ये बोल रहा था कि मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरे को एक्चुअली में फंसाने की ट्राई कर रहा था ये बेटा। अभी क्या करे यार, मेरे पास एक्चुअली में बहुत सारे खतरनाक पोशन भी है। उसको तो फोड़ेंगे गाइस, बहुत हो गया। चलो इससे बात करते हैं अभी, क्या इसको क्या रिक बेटा तेरे को क्या कहते हैं रिवाइवल कार्ड चाहिए जंकी का? हाँ चाहिए, जल्दी से देना, इनविजिबल क्या बन रहा है? एंड भाई तेरी आवाज को क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रहा है, किसी की तो आवाज लग रही है। बेटा ये ले भाई तेरा रिवाइवल कार्ड। ये तो जंकी का कार्ड नहीं है। व्हाट, ये तो तेरा कार्ड है, ये कैसे हुआ, तू कौन है? चलो भाई दूध पीते हैं, रेडी सेट बूम। व्हाट जंकी, तू यहाँ पे कैसे आया? हाँ बेटा मेरे को नूब समझा था क्या? हाँ किलर बनता है कीड़े। हाँ ये कैसे हुआ? तू भाई तू असली में किलर था? हाँ सबको फंसा रहा था, शर्म नहीं आती इतना पुराना मेंबर होके ये सब करता है, शरीफ बनने का नाटक करता है, कोपचे रूम में रहता है, सब पता चल गया है, अब तेरे को मारूंगा ना ऐसा। अच्छा बेटा जंकी, तो तेरे को सब पता चल गया? हाँ शाबाश, मानना पड़ेगा कि तेरे में थोड़ा दिमाग तो है। ए बेटा दूर हट जा, चुपचाप सारे रिवाइवल कार्ड दे दे, पहले ही बोल रहा हूँ, वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। मेरे इलाके में आके मेरे को धमकाता है, माना कि तू बहुत प्रो है लेकिन तू मुझसे नहीं बच सकता। गाइस यार इसको तो दिखाना पड़ेगा, लगता है मेरा स्पेशल एरो लेना पड़ेगा। अरे गाइस क्या करो यार, इसको मार रहा है क्या? कीड़े हट यहाँ से, नहीं ये ले एंड ये ले बेटा, शिकायत को तो मेरा बोबो का कमाल दिखाना पड़ेगा, ये ले आया ना मजा।
ये यस गाइस देखो रोडियस ने ये लो पोशन ऑफ आर्मिंग बूम एंड ये लो गाइस इसको मेरे को पास नहीं आने देना है ये ले भागो 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 नहीं बेटा ये ले ये ले ये ले यस क्या खतरनाक एरो एरो गाइस नहीं मेरी हेल्थ नो भागो 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 ये ले नहीं ये यस यस मुझे पता है तेरी हेल्थ बहुत लो है चाहे कितना भी बड़ा प्रो मेरे से नहीं बच सकता यार टोटम खोलना पड़ेगा गाइस इसका मुझे रंजीत भाग गया गोल्डन एप्पल खाते यही टाइम पे जंकी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं मेरे इलाके में आके मेरे को मारता है ये ले भाई अब चिल्लाने से फायदा नहीं है तू मरने वाला है इतने सारे एरो खा के तो कोई भी मर जाएगा ये ले अब तो ऐसा स्पैम करूंगा ना रो दिया गाइस इसने रो दिया यस बूम एंड मर 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 जा कहे भागता कहां पे ये ले ये ले बूम बूम यस ये ले ये ले ये ले मर जा यार जल्दी से रिवाइवल कार्ड ड्रॉप कर कहां पे छुपा है मैं नहीं बताऊंगा रिवाइवल कार्ड कहां पे को ढूंढ ले बेटा देखो तो मारूंगा ना तब तू बोलेगा शिट गाइस गाइस वो खत्म हो गया मैं एरो खत्म हो गया ये ले नहीं नहीं यस ओ नहीं नहीं गाइस 1 एचपी खाना खाओ खाना खाओ नहीं नो एंड बेटा ये ले भागो 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 गाइस उसका टोटम टोटम मैंने तोड़ दिया बेटा तेरे पास टोटम नहीं मेरे को पता है मर जा एंड मरना प्लीज प्लीज मेरे लिए मर जा नहीं कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस अरे 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 ओ मर गया फायर से मर गया लेट्स गो मार दिया हम लोग ने इसको बच्चे को एक मिनट मिनट बहुत सारे कार्ड से यहाँ पे सब प्रोमो इसका कार्ड यस यहाँ पे बहुत सारा बहुत लोग के कार्ड्स भी है यार सबको रिवाइव करूंगा मैं यस ऐसा जगह भी नहीं है अंदर रखने के लिए यार मैंने कहा एक मिनट का इसके पास एंडर चेस्ट था काम करते इसके अंदर कुछ माल तो नहीं है यस इसके अंदर ये सब सेव कर लेते गाइस मेरा हेलमेट तो टूट गया यार तोड़ दिया नूब ने इसका चलो इसको ऐसा करो मेरे पास सब कुछ आ चुका है चलो इसको लेके जाते गाइस मिशन कंप्लीट हो गया हमारा चलो 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 ऐसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलते टैंग यस एंड चलो बाहर आ गए हम लोग ऐसे फटाफट से भागते चलो 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 यस गाइस कर दिया हम लोग ने यो इनामात भाई मैं पूरा शौक हो चुका हूँ कि रिकी था ये विलन इसके पीछे ये सब था भाई साहब यार इतनी भोली शक्ल लेकिन इरादे इतने खराब छी यार मैं तो उसको रिस्पेक्ट करने बैठा था यहाँ पे यही विलन निकल गया चलो गाइस फटाफट से ना प्रो बॉयज एंड बाकी सबको रिवाइव करते हैं शिवांग को भी रिवाइव करते हैं लेट्स गो तो चलो गाइस निकालते हैं अपने भाई प्रो बॉयज को डांग तो चलो गाइस रिवाइव करते हैं प्रो बॉयज को 3 2 1 बूम अरे हो गया प्रो बॉयज प्रो बॉय मैं यहाँ पे कैसे आ गया यस मैंने तेरे को बचा दिया प्रो बॉयज अबे हो कह रहे बता मेरे को अबे यार तू मर गया था केव में जाने के बाद अरे छोड़ यार बाद में बताऊंगा चल चाय पीते पीते बताऊंगा यार यस यस लेट्स गो यार तू जोड़ है एंड इसी तरह गाइस हम लोग ने रिक को मार दिया द माफिया को एंड धीरे धीरे सबको भी रिवाइव कर दिया सब लोग खुश हुए मजा आ गया गाइस चलो गाइस मिलता हूं मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए बाय बाय